कोई खरड़ा ही नहीं आया सामने, ड्राफ्ट ही नहीं आया, तो मैं समझता उन्होंने अपोज करना या प्रपोज करना, उन्होंने कंडेम करना या डिफेंड करना अजे कुछ बनता नहीं है। इस यूनीफार्म सिविल कोड का ना तो असं उन्होंने डिफेंड कर सकते, ना कंडेम कर सकते हैं, ना उन्होंने अपोज कर सकते, ना प्रपोज कर सकते हैं। किसी गल तो हिट करता हो कोई जड़ा मता तो वह असी जोड़ा है वह कंडेम करा। समय तो पहला इस तरह का करना जो चंकी गल भी चंकी गल नहीं आ। और श्रोमणी अकाली दल करे गल समझ भी आँगी, श्रोमणी कमेटी का सिखा की नुमाइंदा जस्ती नुमाइंदा जथेबंदी आनू श्रोमणी अकाली दल में ही रीप्रजेंट करी जाए कि उन्होंने हर गल चंकी माड़ी में जोड़ा है वो स्टेटमेंटा जारी करे, और साड़ी संस्था के विकार में भी ढा लगती है। भारत सरकार के वलों एक यूनीफार्म सिविल कोड का जिहड़ा ऐलान होया कि कोई एक्ट बन जा रहा नवा कानून जिहदे नाल सारे देशवासियों वास्ते एक कानून जिहड़ा बनाया जाएगा, उस दे संबंध में अज दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के वलों गुरद्वारा रकाबगंज साहब दिल्ली विखे मीटिंग बुलाई गई, जिस 13 स्टेटा के सिख नुमाइंदे जिहड़े वख-वख संस्थावां दे शामिल होए आ, जिहदे च रिटायर्ड जज साहिबान धार्मिक संस्थावां दे मुखी आ। और अदास नूं हुकम होया सी बतौर सिख प्रचारक मौजूदा मैंबर अते साबका प्रेजिडेंट हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के तौर पर, और अपने विचार जिहड़े इत्थे दित्ते आ सारे ही जिन्ने भी सिख जथेबंदियां दे नुमाइंदे इत्थे आए आ, उन्हां सारिआं दी इक गल ते सहमति बणी आ कि जिहड़ा यूनीफार्म सिविल कोड है इहदा कोई ड्राफ्ट कोई इस दा खरड़ा सामने नहीं आया अजे तक, इह तां केवल सुझाव मंगे गए आ जिहड़ा ला मिनिस्टर है इंडिया का उहदे वल्लों वख-वख धर्म के लोगों के वलों संस्थावां वल्लों, जदों अजे तक कोई खरड़ा ही नहीं आया सामने, ड्राफ्ट ही नहीं आया, तो मैं समझदा उन्होंने अपोज करना या प्रपोज करना, उन्होंने कंडेम करना या डिफेंड करना अजे कुछ बनता नहीं है। जिस वेले कोई खरड़ा सामने आऊगा, कोई ड्राफ्ट सामने आएगा, फिर उहदे उत्ते कमेंट किया जा रहा कि किसी भी धर्म के लोगों कोलों की खोया जा रहा ज की नवा दिता जा रहा, खास करके सानू सिखां नूं की खोया जा रहा ज की दिता जा रहा। जेकर इस तरह की कोई गल नहीं तो मैं समझदा समय तो पहला इस यूनीफार्म सिविल कोड का ना तो असं उन्होंने डिफेंड कर सकते, ना कंडेम कर सकते हैं, ना उन्होंने अपोज कर सकते, ना प्रपोज कर सकते हैं। जदों का खरड़ा ड्राफ्ट सामने आ जाएगा तो फिर उस दे उत्ते अपने जिहड़े कमेंट दिते जाणगे, जे कोई साडी कौम नूं कोई किसी गल तो हिट करता हो कोई जिहड़ा मता तो उहनूं असीं जिहड़ा हैगा उह कंडेम करांगे। समय तो पहला इस तरह का करना जिहड़ा उह चंगी गल। देखो मैं एक गल कहनी चाहुंदा कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी साडी श्रोमणी संस्था वा, उन्हां नूं पूरी कौम नूं सामने रख के कोई भी स्टेटमेंट जारी करनी चाहीदी आ, किसी एक परिवार नूं जां एक पार्टी नूं सामने रख के स्टेटमेंट नहीं देनी चाहीदी, और खासकर केवल पंजाब विच वसदे सिखां नूं ही सामने रख के नहीं करनी चाहीदी। सिख अज भारत दीआं सारीआं स्टेटां विच आ, दुनिया के कोने कोने च वसे होए आ, हरेक साडियां हरियाणे दे सिखां दीआं जिहड़ियां हैगियां उह वक्खरियां मुश्किलां ने, वक्खरे मसले आ, कर्नाटका दे वक्खरे आ, केरला दे वक्खरे आ। सो इस तरह अज इत्थे 13 स्टेटां दे सिख आए हुए सीगे, उन्हां सारिआं दे मसलिआं नूं ध्यान विच रखदे हुए श्रोमणी कमेटी नूं, और जिहड़ा कौम दा मसला पंथ दा मसला होवे उहनूं केवल सियासी मसला जां स्वार्थी मसला नहीं बनाउणा चाहीदा कि अज श्रोमणी अकाली दल दा जिहड़ा है उह भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी देश सेंटर केंद्र दी सरकार चला रही है उहदे नाल अलायंस नहीं आ, ते हर गल ते उसदा विरोध करना यह भी चंगी गल नहीं आ। और श्रोमणी अकाली दल करे गल समझ भी आउंदी, श्रोमणी कमेटी का सिखां दी नुमाइंदा जस्ती नुमाइंदा जथेबंदी आ, उहनूं श्रोमणी अकाली दल नूं ही रीप्रजेंट करी जावे कि उहनां दी हर गल चंगी माड़ी नूं जिहड़ा हैगा उह स्टेटमेंटां जारी करे, उहदे नाल साडी संस्था दे विकार नूं भी ढा लगदी आ। कि असीं कुझ लोकां ने यह फैसला ही कर लिया कि कोई भी काम केंद्र सरकार करे तो असी उहदा विरोध ही करना, जे कोई चंगी गल आ उहदी शलाघा करिए, कोई विरोध वाली गल हो विरोध करांगे। हर गल नूं जिहड़ा हैगा उह सियासत च नहीं पाउणा चाहीदा, ते पर श्रोमणी कमेटी वल्लों इस तरह कीता गया, मैं समझदा कि अज उहनूं दुरुस्त करन वास्ते, क्योंकि सारे देश दे विच सिखां नूं फिर इस तरह देखिया जांदा, गल एक संस्था करदी आ उह वी सरमौर संस्था दा, फिर सारे सिख जिहड़े आ उह निशाने ते आ जांदे आ। सो इस कारण करके आ जिन्ने अज इत्थे सिख आए 13 स्टेटां दे विचों, इन्हां दीआं जिहड़ियां भावनावां सी उह वी वेखण वालीआं ते समझण वालीआं सी, सारे एक गल ते एक मत ते हैरान सी
कि साड़ी श्रोमणी संस्था के वलों इस तरह की स्टेटमेंट समय तो पहला स्टेटमेंट जारी कर दी है बड़ी मंदभागी। जिस तरह मैं भी ये दो लफ्ज वरते सी कि जिस तरह चार कोई अमली भरा सी तो उन्होंने कहा कि आप गन्ने की खेती करिए, उन्होंने खेत लिया, खेत की वाड़ कर ली, बाद विच एक कहिंदा कि पिंड दे लोग बड़े चलाक है तो आके गन्ने पुट के चूप देणगे ते आपां नूं चूप लैणगे ते आपां नूं घाटा पै जाएगा। तो फिर एक जने ने चक्की तीली तो उन्हें जिन्नी वाड़ सी उन्हें अग ला दी तो पिंड वाल नूं ललकारे मार के कह आ जाओ चूप लो पौने पौना एक किस्म होंदी आ गोने गन्ने की, तो कहिंदा आ जाओ चूप लो पौने आ जाओ चूप लो पौने, ना उस कमाद लाया ना उस गन्ने पैदा होए समय तो पहला ही। तो इस तरह जिहड़ा श्रोमणी कमेटी या श्रोमणी अकाली दल की स्टेटमेंट आ मैं समझदा समय तो पहला दी है, जिद्दण इस कानून च साडी कृपान नूं हिट किया जाऊ जां कड़े नूं जां केसां नूं जां साडे आनंद मैरिज एक्ट नूं किसी तरह भी किसी साडी जिहड़ा हैगा रहत मर्यादा नूं हिट किया जाऊ तो असी इस नूं जिहड़ा हैगा उदों असी कंडैम करांगे, इसका विरोध करांगे, अपोज करांगे, पर समय तो पहला इस तरह की गल करनी उह शोभा नहीं दिंदी। लेकिन मांग रहा है क्या जो आज कमेटी बनाई गई है या ये सुझाव भेजेगी वहाँ? हाँ बिल्कुल, अज दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सदी इस मीटिंग दे विच 13 स्टेटा के सिख आए ने ते 11 मैंबरी कमेटी का ऐलान किया गया, उहदे विच कौन कौन होणगे भी तुहानू शाम तक पता लग जाएगा। तो फिर वो जिहड़ी 11 मैंबरी कमेटी है वह पूरा निचोड़ कढ के हर गल का ते फिर वो जिहड़े सुझाव होणगे सारिया के सुझाव अपनी मनोपली नहीं, जिस तरह SGPC ने किसी की सलाह भी नहीं ली, अकाली दल ने किसी की सलाह भी नहीं ली, बस उन्होंने BJP का विरोध करना केंद्र सरकार का विरोध करना कर दिता। सो इस तरह नहीं, इतने वो जी 11 मैंबरी कमेटी है वो सारिया की सलाह लैके दो चार दिन के अंदर ही सारिया की सलाह जी है वो लैके फिर वो सुझाव जोड़े ला मिनिस्टर दिते जाएंगे, जो मिलने की लड़ पी तो ला मिनिस्टर कानूनी मंत्री मिलया भी जाऊगा।